हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी ग्राफिक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रीमियर प्रो की आज की हमारी क्लास है। तो आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आपकी टीवी है और उसके ऊपर ग्रीन बैकग्राउंड आ रहा है, उसके ऊपर मैं अपनी वीडियो कैसे लगा सकता हूँ, किसी की भी वीडियो कैसे लगा सकता हूँ, वो भी प्रीमियर प्रो में। तो आज की वीडियो में हम यही बनाने दिखाने आपको दिखाने जा रहा हूँ, और आपको वीडियो देखने लोग आपको वीडियो को सीखना है। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखेंगे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी करते हैं। तो बस यहीं तक को बोलना था, तो हम यहीं के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना पहले से ही प्रीमियर प्रो खोला हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहीं की जब मैं जाता हूँ, यहीं की जब से हम लोग अपने इस पे चले जाते हैं, अब मैं अपनी पहले वीडियो ले आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ की तरफ से जब मैं ले आया हूँ उसे, अब मैं इसका पहले से साउंड तो हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ की तरफ से ये हमारी वीडियो है, अब ये देख सकते हैं ये है हमारी वीडियो। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसके ऊपर मैं अपनी वीडियो कैसे लगाता हूँ। अब सबसे पहले आपको जाना है इधर, अपनी वीडियो ले आया, ग्रीन बैकग्राउंड होना जरूरी है। इफेक्ट अगर आप कोई मीम भी है ग्रीन बैकग्राउंड की, उसके पीछे आप बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं ये भी आपको बताता हूँ। इफेक्ट पे आपको लर्निंग असेंबली एडिटिंग कलर ऑडियो ग्राफिक लाइब्रेरी, इधर कहीं पे भी जाना, आपको सिर्फ जाना है इफेक्ट्स पे। अब यहाँ पे आपके पास सबसे ऊपर जाना है, अब यहाँ पे आपके पास आ रही इफेक्ट्स, इंटरनल ग्राफिक, एक्सटर्नल साउंड, रिमूटर या कलर, बेसिक कर्व। अगर आपके पास ये इफेक्ट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया जैसे कि अल्ट्रा की, अगर आपके पास यहाँ पे नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे आप लिख दें अल्ट्रा की, और जैसे ही आप लिखेंगे एंटर प्रेस करेंगे वो नहीं आएगा। आपको सबसे पहले आगे जब जाना है इधर इरेज कर देना है। यहाँ पे आपके पास आते हैं ईज लीजिए प्रोजेक्ट नेम्स, अगर आपके पास, लेकिन मैं पता है मुझे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन चाह रहा होगा, यहीं से आप अपनी सर्च कर लेगा आपके पास आ जाएगा, अगर नहीं हो आपके पास तभी। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सबसे पहले इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए है, और फिर यहाँ की तरफ से ये ऐसा है, आप ये देख सकते हैं हमारा ऐसा है। अब मैं क्या करता हूँ, अल्ट्रा की है, इसे आपको उठा के वीडियो पे भेजना है, साउंड पे नहीं जाना, आपको सब कुछ है वीडियो पे हमने पेश कर दिया। अब आप सोच रहे कुछ हुआ ही नहीं, और यहाँ पे आपके पास आ जाना है, और यहाँ पे आपके कुछ नहीं आ रहा होगा, आपको जाना है यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल्स, अगर ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी आप जाके इफेक्ट कंट्रोल्स ला सकते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, अनसेलेक्ट करना है इस वीडियो को, वापस सेलेक्ट करना है, तो ये आ चुका है। तो आप ये देख सकते हैं मोशन ओपेसिटी टाइम फ्रेमिंग, यहाँ पे की कलर आ रहा होगा, इससे आपको ले लेना है और फिर यहाँ पे रह देना है। अब आप सोच रहे पूरा ब्लैक है, इसमें क्या है, इसमें तो कोई बैकग्राउंड होता ही नहीं। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ अपनी वीडियो में आपको लगा के दिखाता हूँ। अब मैं सबसे पहले वीडियोस पे जाता हूँ, सॉरी मैं लॉगिन पे जाता हूँ। अब ये है मेरी वीडियो, इसे मैं ले आया यहाँ की तरफ, और साउंड के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इस वीडियो को कर दिया, आप यहाँ की तरफ लगाया, और फिर यहाँ की तरफ मैंने बड़ा कर दिया, और फिर यहाँ की तरफ मैं, और मैं आपको इसी में नहीं बताऊंगा और मुख्तलिफ चीजों पे भी करके बताऊंगा बैकग्राउंड आप कैसे हटा सकते हैं। अब जैसे आएगा हेलो फ्रेंड, तो ये आप देख सकते हैं ये मेरी वीडियो चल रही है, ये आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ मैं अभी रोक रहा हूँ थोड़ी सी, तो आप ये देख सकते हैं ये मेरी वीडियो चल रही है, ये मेरी वीडियो चल रही है, मैं रोक रहा हूँ अभी, तो आप देख सकते हैं ऐसे आप अपनी वीडियो भी चला सकते हैं। और यहाँ की तरफ से अभी मैं साउंड इसका बंद कर देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ इसका साउंड हटा देता हूँ, बस साउंड हटा रहा हूँ मैं, और ये साउंड हटाया वेलकम, और फिर ये भी हटाया, और फिर यहाँ की तरफ से ये जो साउंड है इनको मैं हटा देता हूँ, और फिर यहीं की तरफ से क्या करता हूँ, यहाँ की तरफ मैं गया थोड़ा सा साउंड पे मैंने भरा, तो आप ये देख सकते हैं मेरी वीडियो कैसे चल रही है। अभी सिर्फ मैंने साउंड हटा दिया है, बाकी सब आया हुआ है हमारा। तो आप ये देख सकते हैं हमारी वीडियो कैसे स्मूथली ये चल रही है उसके ऊपर, अभी आप देख सकते हैं ये हमारी वीडियो कैसे चल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ, और फिर इसे हटाने के बाद अब मैं आपको
आपको अगर मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको आपको वापस करके दिखाता हूँ एक और पे। अब मैंने एक और उठाया टीवी पे, टीवी पे अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने टीवी पे उठाया बता, तो मैं आपको आपको टीवी करके दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं टीवी करके दिखाता हूँ, इनमें से वॉइस हटा दी मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ की तरफ से मैं थोड़ा सा आगे गया और फिर थोड़ा सा और आगे चला जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आपको अब करके दिखाते हैं। ये हमारा आया हुआ है। अब इसके ऊपर अगर आपको कोई सी भी वीडियो, जरूरी नहीं मैं अपनी चलाऊं, अभी मैं दूसरी वीडियो उठा लेता हूँ। जैसे कि मैं गया पिंटरेस्ट, हमेशा की तरह पिंटरेस्ट पे हर चीज अवेलेबल होती है, तो मैं तभी पिंटरेस्ट पे जा रहा हूँ। पिंटरेस्ट से भी आप कोई सी भी वीडियो उठा सकते हैं, और अगर डाउनलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, अगर आपको चाहे तो यहाँ से उठा के अपने पास इधर वीडियोस लगा सकते हैं। ब्रेकिंग, ये वाली वीडियो डाल दी। अब मैं ये वाली वीडियो डाल देता हूँ, ये वाली मैंने वीडियो डाल दी। अब मैंने इसको भी मैंने छोटा थोड़ा बड़ा किया, थोड़ा और बड़ा किया, जितना वो साइज है टीवी का उतना मैंने कर दिया। अब मैं इसे हटाऊंगा, अब मैं ये जो ये है अनलिंक करूंगा, और जब इसे हटाऊंगा और फिर ये जो हमारा वॉइस है तो मैं उसे हटा देता हूँ। जैसे कि आपको दिखाते हैं हम लोग, तो यहाँ की तरफ से हम लोग क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और फिर इधर से इससे थोड़ा सा इधर से हमने हटा दिया इस वॉइस को, और फिर यहाँ की तरफ से क्या करते हैं हम लोग। तो अभी देख सकते हैं एडिटिंग में कितना मसले होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये टीवी भी मेरी वीडियो चलना शुरू हो गई है। ऐसे आप इजली से ऐसे आप ग्रीन बैकग्राउंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई मीम्स हो तो आप मीम्स के ऊपर भी ऐसा काम कुछ कर सकते हैं। है, और मैं आपको अगर मीम्स पे दिखाऊं तो अगर ये मीम्स है, अभी आपको ऊपर जाके मीम्स दिखाता हूँ, तो ये जो सारी मीम्स है इनके ऊपर इनका भी आप बैकग्राउंड कैसे बदल सकते हैं। ये भी आपका बहुत ईजी है, आप इनका भी बैकग्राउंड इजी से भी बदल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आज की वीडियो में हमने ये बताया था आपको, आप कैसे इजली से बैकग्राउंड कैसे बदल सकते हैं, वो भी HTML सॉरी और प्रीमियर प्रो में। अल्ट्रा की है ये इसका ऑप्शन, अगर आपको ये है इसकी बस की बस अल्ट्रा की। और ये आप देख सकते हैं ग्रीन बैकग्राउंड पे हमने लगाया तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, हमने इसे ग्रीन बैकग्राउंड भी लगा दिया। अगर आपको ग्रीन बैकग्राउंड के बाद ये किया, असल में ये इसके लिए यूज नहीं करता, असल में अगर कोई मीम्स ग्रीन बैकग्राउंड के साथ आपको मिलती है तो ये उसके लिए यूज होता है। ओके, तो मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा कभी कभी ना कभी इसी अगली वीडियो में आपको ये भी करके दिखाऊंगा आप गोरा कैसे कर सकते हैं। आप जैसे कि आपकी कोई वीडियो आए वो थोड़ी काली है तो आप उसे गोरा कैसे कर सकते हैं कर्व, वो भी आपको करके दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो हमने इसी का, आप कैसे ग्रीन बैकग्राउंड कैसे हटा सकते हैं पीछे से, और कोई और सा बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हैं वो भी HTML और CSS में सॉरी प्रीमियर प्रो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो